Welcome to my channel. My name is Arjun Hastawa. Once again, warm welcome and good morning, student. Let's see later lecture number 2. Lecture number 1 में हमने 3D के intro को discuss किया था. ये भी intro का ही part है बेटा. ठीक है ना? तो हम देखिए introduction का next वाला part है part 2, जिसमें हम लोग discuss करेंगे direction ratios and direction cosines के बारे में. ओके तो सबसे पहले जो स्पेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसीज के बारे में. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डीसीज के बारे में. देखिए डीसीज क्या है आपके पास, यानी डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, एक लाइन के लिए आपको क्या गेट करना बेटा? डायरेक्शन कोसाइन बताने. तो आप कैसे बताएंगे यार? देखिए आपको डायरेक्शन कोसाइन गेट करने के लिए, सपोज दैट आपके पास थ्री डायमेंशन फिगर है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस. ओके, ओरिजिन पॉइंट है ओ. ठीक है, एक इसमें डायरेक्टेड लाइन है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है. डायरेक्टेड लाइन है जो पासिंग थ्रू द क्या होती है? ओरिजिन होती है. ठीक है, इसमें कोई पॉइंट है पी जिसकी एक्स और वाई से जेड एक्स से पॉइंट होते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ओके, ये डायरेक्टेड लाइन ऑन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल मेक कर रही है, ओके, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से गामा. ये डायरेक्टेड लाइन, और इन एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल. क्या कॉल करेंगे? डायरेक्शन एंगल. और ये डायरेक्शन एंगल यूज होते हैं डीसीज के अकॉर्डिंग. इट मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये रिप्रेजेंट करते हैं डीसीज को. इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके डीसीज को. इट इज रिमेंबर दैट जब भी हम डीसीज को डिफाइन करेंगे तो डीसीज को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस होता है एल एम एन के फॉर्म में. एल एम एन इज इक्वल टू कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा. इट मीन्स एल की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस एल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा, एन की वैल्यू कॉस गामा होती है ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस पे बात करें तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी होगी आपके पास? एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा एंड एम इज इक्वल टू गेट होगी आपके पास कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू गेट होगी आपके पास कॉस गामा. ये एल एम और एन की वैल्यू गेट होगी आपको. ओके, नोट डाउन. तो इसे हम ध्यान रखेंगे. एल एम एन जो डिफाइन होता है उसे हम डिफाइन करते हैं डीसीज से. डिफाइन करते हैं किसे? डिफाइन करते हैं हम लोग डीसीज से. क्लियर है? ओके, बात करते हैं डायरेक्टेड लाइन पासिंग थ्रू नहीं है ओरिजिन से. क्या जब हम डीसीज फाइंड कर सकते हैं? यस, तब हम फाइंड कर सकते हैं डीसीज. कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी. देखिए यार क्या करना था आपको, जब आपके पास एक लाइन के आपको डीसीज चाहिए बट आप उसी लाइन के डीसीज फाइंड कर सकते हैं जो लाइन पासिंग थ्रू हो रही हो ओरिजिन से, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन है. ठीक है ना? और डायरेक्टेड लाइन किससे पासिंग थ्रू होती है? ओरिजिन से, जिसका एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई एक्सिस एंगल बीटा और जेड एक्सिस एंगल गामा कंसिडर होता है. बाय चांस आपके पास जो लाइन है वो पासिंग थ्रू नहीं है ओरिजिन से, तो डोंट वरी, तब भी आप उसके डीसीज फाइंड कर सकते हैं. प्रोसेस क्या होगा कि सपोज दैट वो लाइन 3D में कहीं से भी रिप्रेजेंट हो रही है. सपोज दैट वो लाइन ये आपके पास, आपको कह रहा है कि इसके डीसीज बताओ क्या होंगे. तो आपको करना क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप जो पासिंग थ्रू होगी ओरिजिन से. जो किससे पासिंग थ्रू होगी? ओरिजिन से. तो जो इस लाइन के डीसीज होंगे वही इस लाइन के डीसीज होंगे. क्लियर होगी बात? तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं एक अनदर लाइन जो डज नॉट पास थ्रू हो रही हो आपके पास ओरिजिन से. क्लियर होगी बात? जो लाइन ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है उसे हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं एल एम एन के हेल्प से, जहां पे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा के हेल्प से. बट जो लाइन पासिंग थ्रू नहीं है ओरिजिन से, तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन से एक लाइन पासिंग थ्रू करेंगे जो लाइन इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी. क्लियर होगी अगर बात? तो ये प्रोसेस था. ओके यार, देखेंगे नॉट पे ध्यान रखना एक पॉइंट को. नॉट है आपके पास, आपको जो डीसीज बताने हैं, डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस. तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जब मैं एक्स एक्सिस को टच करूं वाई और जेड पर नहीं हूं, तो डीसीज कितने होंगे एक्स एक्सिस के? 1, 0, 0. आपको डीसीज फाइंड करने हैं ऑफ वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के डीसीज फाइंड करने का प्रोसेस है 0, 1, 0. आपको डीसीज फाइंड करने हैं ऑफ जेड एक्सिस के, तो जेड एक्सिस के डीसीज फाइंड करने को 0, 0, 1. क्योंकि आप जेड एक्सिस पे हैं तो यानी एक्स और वाई पे आप मूव नहीं कर रहे हैं. जब एक्स वाई पे मूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? केवल जेड को टच करेंगे, और जेड को टच करने कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, 0, 1. ये पॉइंट नोट पर ध्यान रखेंगे. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. यार एक क्वेश्चन से फॉर एग्जाम्पल भी समझते हैं.
ओके एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्या एग्जांपल, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है जिसके एक्स एक्सिस एंगल 90, वाई एक्सिस एंगल 135 और जेड एक्सिस एंगल 45 डिग्री है। इट मींस उसने अल्फा गिवन किया 90, बीटा गिवन किया उसने 135 एंड गामा गिवन किया उसने 45 डिग्री। ये इसने आपको डिफाइन किया हुआ है, ओके। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं डीसी। एल इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इट मींस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू बताइए कितनी होगी स्पीड से फटाफट, जो भी कॉस 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बताइए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, cos बीटा मीन्स cos 135। अब देखिए 135 का आपको वैल्यू नहीं पता है, तो 135 को क्या यूज कर सकते हैं, cos 180 माइनस 45। क्वाड्रेंट सिस्टम के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था। तो cos 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो कितना होगा cos 45, और cos 45 वैल्यू माइनस के 1/√2। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, n इज इक्वल टू cos गामा, cos गामा इट मींस cos 45, और cos 45 के लिए 1/√2। तो इसी टाइप से आपने क्या कर लिया, डीसी फाइंड कर लिए, एलिमेंट की वैल्यू 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2, दिस इज ए डीसी ऑफ ए गिवन लाइन। ओके पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके अब रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस के बिटवीन अब मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे यार, आपके पास देखिए थ्री डायमेंशन एक फिगर है यार, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस एक लाइन है आपके पास दिस, जिसको आप कॉल कर सकते हो आर और एस, ठीक है। अब आपको करना है क्या यार, एक इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो पासिंग थ्रू होगी ओरिजिन से। किससे पासिंग थ्रू करिए आपने, ओरिजिन से। सपोज दैट एक पॉइंट है जो लाइज करता है आपके पास ऑन एक्स एक्सिस पे, ओके ये एक्स एक्सिस से इस डायरेक्टेड लाइन के बिटवीन जो एंगल बनता है वो बनता है यार अल्फा, ठीक है। और इस पे जो उसके डायरेक्शन का जो रेशियो होगा, इन डायरेक्शन वेक्टर जो होगा वो कितना होगा इसका, आर वेक्टर हो गया, यानी जो पी पॉइंट है इसे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होते हैं, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स, वाई से वाई और जेड से जेड होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया कि इसके बिटवीन, इस लाइन के बिटवीन आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, डीसी और लाइन के बिटवीन रिलेशन। देखिए कैसे बताते हैं, आपने क्या किया इस लाइन को उसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, थ्री डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिगर बनेगी। थ्री डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैसे फिगर बनेगी, ये इस टाइप की फिगर होगी, ये टाइप फिगर ये होगी आपके पास पी पॉइंट, आपके पास होगा ये ए पॉइंट, और ये पॉइंट होगा आपके पास ओ, जिसमें ये पॉइंट इंडिकेट करेगा आर को और ये इंडिकेट करेगा एक्स को, और ये एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री हो गया आपके पास, ठीक है। देखिए ये ओपी कितना आर और ओए कितना आपके पास एक्स हो गया, ठीक है। अब बेटी क्या करना होगा यार आपको, जो इनके बिटवीन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है यार यहां से अल्फा, तो यार कोस अल्फा कितना होगा ये बताइए, कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है आर, तो कितना होगा आपके पास एक्स अपॉन आर, और कोस अल्फा इट मींस एल, दिस इज कॉम एल से डिनोट करते तो एक्स अपॉन आर, यानी यहां से x की वैल्यू आपको फाइनली गेट हुई कितनी हो गई l और r, ये लाइन पे आपके पास, ठीक है। सिमिलरली करके आप लोग डिफाइन कर सकते हो, सिमिलरली सेम एज इट इज y इज इक्वल टू एम आर एंड z इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एन आर, ओके क्लियर हुई बात है। अब एक बात बताइए, कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा यार, x की वैल्यू बताइए कितनी आपके पास एल आर, यानी एल स्क्वायर आर स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर आर स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू है एन स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, कॉमन आ गया आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यार इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होती है आर स्क्वायर। हाउ, देखिए ये पॉइंट क्या है आपकी डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से पी तक की डिस्टेंस को आर वेक्टर से डिनोट कर रहा है, इट मींस आर है आपके पास, ठीक है ना, जिसके ओरिजिन से डिस्टेंस यार आपके पास ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0 और P के कोऑर्डिनेट कितने एक्स कॉमा y कॉमा जेड, तो यार इनके बिटवीन डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर लें, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो वो गेट हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गेट हो गया 1 गेट हो गया।
तो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन कैसे गेट होता है। ओके, ये वेक्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। तो ध्यान रखना आज के रिलेशन की जो डीसीज होते हैं, डीसीज में जो स्क्वायर्स होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो कितना होता है, वन के इक्वल होता है। प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। ठीक है, अब चलते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कितने पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा है, टू पॉइंट से पासिंग थ्रू। उसकी हेल्प से आपको बता देंगे डीआर क्या होते हैं, डीसीज कैसे होते हैं। यार देखिए, आपके पास ए एंड बी, ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। टू पॉइंट टू ज्वाइन करने वाली लाइन है विच कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू। ये आपके पास दो पॉइंट हो गए। कहेंगे इस लाइन जो आपने टू पॉइंट ज्वाइन किया लाइन बन गई, इस लाइन के डी आर्स होता हो क्या होंगे। देखिए यार, डी आर्स जो डी आर्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं ए बी एंड सी से। इसे डिफाइन करते हैं ए बी सी से। और टू पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस में जो कंडीशन होती है, सॉरी टू पॉइंटों के बिटवीन डीआर की जो कंडीशन होती है कितनी होती है, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड या जेड टू माइनस जेड वन। ये डीआर होते हैं जब आपको टू पॉइंटों के बिटवीन कैट करने हो, तो आप डीआर ऐसे फाइंड कर सकते हो काफी इजीली। ओके, अब आती है बात डीसीज की। तो डीसीज को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है एल एम और एन। ठीक है, तो डीसीज की जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखेंगे, एल एम एन गेट करने का प्रोसेस होगा वही होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस बी अपॉन रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या तो आप सभी साइन पॉजिटिव यूज करेंगे या आप सभी साइन नेगेटिव यूज करेंगे, एक ही साइन यूज करना होता है। तो ये होता है आपके पास डीसीज, क्लियर होगी बात है। और ये है आपके पास डीआरस। तो आपको यदि किसी लाइन के डीआरस बताने हैं तो ये फॉर्मूले कंडीशन अप्लाई करेंगे। आपको डीसीज फाइंड करने हैं तो आप इस तरह से करेंगे। तो यानी डीआरस की हेल्प से डीसीज पे पहुंचा जा सकता है, बट डीसीज की हेल्प से डीआरस पे नहीं पहुंचा जाएगा। क्लियर होगी बात है। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब समझते एग्जांपल्स को। ठीक है, क्या एग्जांपल है देखिए यार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसने कहा यार आपके पास, आपको एक डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं एक लाइन के, जिसमें वो लाइन एंगल बना रही है इक्वल वो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो यार एक बात बताओ, जब कोई भी सपोज दैट वो लाइन, सपोज दैट वो कोई भी लाइन ही है जो पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल से होती है। ठीक है, जो इसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, और डायरेक्टेड लाइन एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, मतलब अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। ओके, उसने कहा कि जो एंगल बना रही है वो इक्वल बना रही है, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो इस लाइन की मुझे डीसीज बताने हैं। तो यार बता कैसे बताएगा डीसीज। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको पता है कि एल इक्वल टू कितना होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू भी कितना हो गया कॉस अल्फा एंड एन इक्वल टू भी कितना हो गया कॉस अल्फा। रीजन क्या है, तीनों एंगल सेम थे। एक रिलेशन अभी आपको डिस्कस किया था एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तीनों की वैल्यू पुट कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना गेट हो गया वन। यानी बेटे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, अल्फा इज इक्वल टू गेट हो गया आपके पास कॉस इनवर्स प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ये आपके पास फाइनली गेट होगा। तो उसने मुझे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन से हमने क्या गेट कर लिया, इससे एंगल गेट कर लिया है। ठीक है ना, क्या गेट हो गया एंगल, भाई कॉस अल्फा की वैल्यू गेट होगी प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो ये आपके पास क्या है, यही एल की वैल्यू है, यही एम की वैल्यू है और यही एन की वैल्यू है। तो एल एम एन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। ये आपके पास वैल्यू आ गई है एल एम एन की। क्लियर होगी यहां तक बात। तो ये आपने क्या गेट कर लिया, उसके डीसीज गेट कर लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यार देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, एक लाइन डायरेक्शन रेशियोज गिवन के, एक लाइन के
डायरेक्शन रेशियोज पता है और पूछ रहा है कि बता डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे। डी आर गिवन किए हुए, डीसी पूछ रहा है तो कैसे करेंगे। जब भी आपको डी आर गिवन करता है इट मीन्स वो ए बी और सी गिवन करता है और एबीसी कितने गिवन किए उसमें 2, -1, 2। आपसे पूछेगा डीसी तो आपको पता है कि डीसी के लिए या तो प्लस में लगाना फॉर्मूला या माइनस में, तो मैं प्लस का यूज कर रहा हूं। कितना रहेगा आपके पास ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 2। जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन तीनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो रूट आएगा 9 और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। ओके इसी टाइप से नेक्स्ट बी का पॉइंट कितना है माइनस के 1 तो माइनस 1 अपॉन कितना लगा है 3। सी की वैल्यू कितनी हो गया 2, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो यार आपके पास आगे डीसीज क्या कहता है डीसीज। एक लाइन के डीआर गिवन थे आपने क्या फाइंड कर लिया इसके डीसीज फाइंड कर लिया तो डीआर से डीसीज फाइंड करने का प्रोसेस ये था। ओके ओके यार पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके अब एक कंडीशन है यार देखते हैं क्या है कंडीशन। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। यार आपने वेक्टर में भी डिस्कस किया कि कोलिनियरिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री डी में भी समझेंगे कि कोलिनियरिटी के केसेस को हम कैसे डील करते हैं। जब भी आपके पास थ्री पॉइंट्स गिवन है सपोज है ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 एंड सी के कोऑर्डिनेट यार x3, y3, z3 ये तीन पॉइंट्स हो गए आपके पास। ये कह रहे हैं गिवन ये पॉइंट्स आर कोलिनियर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोलिनियर की कंडीशंस क्या होती है यार। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे आप डीआर गेट करेंगे डीआर ऑफ एबी। आप पहले एबी के डीआर गेट करेंगे किसके डीआर गेट करेंगे एबी के गेट करेंगे तो क्या आएगा x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। फिर आप डीआर फाइंड करेंगे यार डीआर ऑफ बीसी किसके डीआर फाइंड करेंगे बीसी के। बीसी के डीआर कितने यार आपके पास x3 - x1, y3 - y1 एंड z3 - z2। ये आपने गेट के डीआर ऑफ बीसी और ये गेट के आपने डीआर ऑफ एबीआर। ठीक है अब आपको करना क्या है इन दोनों के डीआर का रेशियो निकाल दीजिए। जब आप इनका रेशियो गेट करेंगे और इनका रेशियो सेम आ गया यानी एबीसी की पॉइंट कंडीशन सेम आ गई है तो आप उसे कॉल करेंगे गिवन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी रेशियो की हेल्प से हम ये फाइंड कर लेंगे कि गिवन जो पॉइंट्स हमें गिवन किए उसने ये कैसे रिप्रेजेंट करें कोलिनियर को रिप्रेजेंट करें। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए। क्लियर होगी बातें। ओके समझते हैं लेट्स सी एक एग्जांपल की हेल्प से। ओके एग्जांपल समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से कोलिनियर की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहा उसने शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या हो गया सबसे पहले डीआर गेट कर लीजिए डीआर ऑफ ए बी। देखो यार x2 - x1 1 - 2 y2 - y1 - 2 - 3 z1 - z2 3 + 4। ओके क्लियर होगी बात है तो इससे वैल्यू कितनी गेट हुई आपके पास यार -1 - 5 + 7। अब आप गेट कर लीजिए डीआर ऑफ बीसी। बीसी के डीआर देखिए कितने हो गए आपके पास यार 3 - 1 8 + 2 - 11 - 3 इट मीन्स 2 - 10 - 14। इनके रेशियो फाइंड कर लीजिए क्या फाइंड कर लीजिए इनके रेशियो। तो देखिए रेशियो क्या क्या है आपके पास यार -1 / 2 - 5 / 10 - 7 - 14। तो आपके पास रेशियो जो फाइंड हुए सभी के 1 / 2 - 1 / 2 - 1 / 2 तीनों के रेशियो कैसे आ गए हैं सेम ए बी और सी तीनों के रेशियो कैसे आ गए सेम। जब आपने रेशियो फाइंड कर लिए तो रेशियो कैसे आ रहे हैं सेम आ रहे हैं तो गिवन दीज पॉइंट्स आर ए बी सी इज कॉल्ड ए कोलिनियर। क्या कॉल किए जाएंगे यार ये कोलिनियर कॉल किए जाएंगे। ओके पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।